हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल मैंने आपको नॉनटेक का ओवरव्यू दे दिया था, ठीक है, तो आज जो हम शुरुआत करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री हम शुरू करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो मैंने कल आपको बता रखा था कि इंडियन हिस्ट्री के थ्री फेजेस हैं या फिर थ्री पार्ट्स हैं। ओके, फर्स्ट जो हमारा है वो है एंशिएंट इंडिया। ओके, तो क्या हो जाएगा ये हमारा प्राचीन भारत। और हमने सेकंड बताया था आपको कि एंशिएंट और मेडाइवल, और थर्ड हमारा क्या था, मॉडर्न। ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एंशिएंट से, तो हम आज एंशिएंट के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो एंशिएंट में क्या है हमारा कि ये राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू 750 AD तक का जो हमारा पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्राचीन भारत। तो मैंने क्या बोला कि प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 750 AD। ओके, एंड देन अब ये एडी क्या होता है हमारा, ठीक है। तो एडी का जो मतलब होता है वो होता है एनो डोमिनी, ठीक है। ठीक, और एनो डोमिनी का मतलब होता क्या है कि इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। ओके, ये जो हमारा क्रिश्चियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें जो ईसा का जन्म होता है, फिर ईसा की जो पैदाइश होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है, ठीक है। तो एक हमारा होता है AD, एक हमारा होता है BC, ठीक है। तो जो हमारा AD होता है वो ईसा की पैदाइश है उसके बाद के जो सारे साल होते हैं उसको हम AD बोलते हैं, और ईसा के बर्थ के पूर्व जितने भी सारे साल होते हैं हमारे उसको हम बोलते हैं BC। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो आगे हम क्या देखते हैं, एक मैंने आपको वर्ड बोला प्री हिस्टोरिक, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये कौन सा हमारा टाइम पीरियड था। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक है मतलब व्हाट इज़ द प्री हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास का हमारा वो काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ना हो, ठीक है। इसमें मतलब कि हमारी मूर्तियाँ थी, ठीक है, और स्कल्पचर्स थे, और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे इसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं था, इसमें कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उस समय के लोग एक्सप्रेशंस जानते थे बट लिखना लिखाई के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा क्या, लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अब हम लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट हम लेते हैं इंडस सिविलाइजेशन। ओके, इंडस सिविलाइजेशन तो हमारा था वो था 750 AD से 707 AD तक, इसका ये टाइम पीरियड था हमारा, ठीक है। ओके, देन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था कि जो हमारा इसे हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम लेते हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसका जो पीरियड हमारा था 2350 से 1750 BC तक था, ठीक है। ये सभ्यता हमारी इंडस सिविलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। फिर क्या है कि इस समय कुछ हुआ करता है,
बिलोंग्स, जैसे कि जो हमारा होगा बोलेंगे, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या साक्ष्य थे, क्या क्या हमको मिलते थे, तो वहाँ पे हम लेंगे बिलोंग्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रॉन्ज। ठीक है, ओके, इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज। ठीक है, हम ये बोल देते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज कल्चर। ओके, तो ये जो हमारा ब्रॉन्ज है, ये कॉपर और टिन, वो लोग इस जो इस पीरियड के जो लोग थे वो कॉपर और टिन को मिक्स करना जानते थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस टाइम पीरियड में जो कि हमारी ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। ठीक है, तो इसे इसीलिए हम ब्रॉन्ज एज भी बोल देते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज। ओके, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अब धीरे धीरे हम खुदाई करते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारी साइट्स मिलती हैं, तो उन साइट्स को हम अब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 1921। ठीक है, अंडर इंडस सिविलाइजेशन। ओके, इसमें क्या हमको मिला कि हड़प्पा, सिविलाइजेशन। ओके, तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो सिंधु सभ्यता का ही पार्ट था। इसका जो एक्सकवेशन हुआ हमारा, जो इसका उत्खनन कार्य हुआ वो किसके अंडर हुआ, इसका जो एक्सकवेशन हुआ या आप बोल सकते हैं उत्खनन कार्य जो इसका हुआ अंडर गाइडेंस DR साहनी। ओके, या DR साहनी मीन्स दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसके बाद जल्द ही हमको पता चला एक और बड़ा शहर मिला। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह हमको मिली इस साइट पे वो क्या था हमारा, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो, ठीक, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ये आपसे पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा स्थित है। ठीक है, तो वो बैंक ऑफ रिवर इंडस थी। ठीक है, और जो हमारा ये है हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे था, हमारा रावी नदी के किनारे था। ठीक है, बैंक ऑफ रावी रिवर। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक, फिर हमारा क्या है कि इंडस के किनारे उनको मिल जाता है मोहनजोदारो, और इसका जो उत्खनन करवाया था वो किसके अंडर गाइडेंस हुआ था, वो हमारा हुआ था एक्सकवेशन अंडर RD बनर्जी। ये कौन थे, इनका नाम था पूरा राखल दास बनर्जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो दो इम्पॉर्टेंट शहर और ये दो जो नाम हैं आपको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक हमारा ये हड़प्पा हो गया और दूसरा हमारा हो गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, किस नदी के किनारे है उन नदियों के नाम और किसके अंडर गाइडेंस में वहाँ पे एक्सकवेट किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है कि एक हमको वर्ड मिलता है, जो वर्ड हमारा है मोहनजोदड़ो का, द वर्ड
मोहन जोदारो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं द फेस ऑफ मोहनजोदारो का जो मतलब होता है, समझिएगा इसको आप, कि द वर्ड मोहनजोदारो और फेस ऑफ मोहनजोदारो इज नोन एज, या मीन्स इसका मतलब क्या है, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर नेक्स्ट क्या है कि हम एक्सकर्वेशन करते चले गए और टाइम निकलता चला गया, फिर हमको पता चला कि 1953 में हमको एक और साइट मिल जाती है, राजस्थान के गंगानगर में स्थित है एक कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगन, ठीक है, ठीक। तो और माना गया कि यह कभी जो हमारे सरस्वती जो रिवर है उसके किनारे बहती थी, ठीक है। तो इसे हम जैसे पूछ लेंगे कि कालीबंगा कहाँ पे है, तो इसे हम बोल देंगे कि बैंक ऑफ दी सरस्वती रिवर, ओके, और यहीं पे हमारी घग्गर नदी भी बहती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेंगे अब क्या होता है कि लेटर ऑन हमारी खुदाई चलती रहती है और उसके बाद हमें कुछ और भी शहर मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमको मिल जाता है 1957 में लोथल, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कॉम्बे, ठीक है, खंबार की खाड़ी, ठीक। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है, उसे माना गया है एक, हम बोल देते हैं डॉक यार्ड, इसे गोदावाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारी जो पानी के जहाज होती हैं वो यहाँ पर स्टैंड करती थी, ठीक है, पानी की जहाज खड़ी होती हैं, ठीक है। फिर क्या है इसका कि जो हमारा लोथल मिला, इसका जो एक्सकवेशन हुआ, जो उत्खनन कार्य हुआ, किसके अंडर गाइडेंस में हुआ, तो एक्सकवेशन अंडर SR राव, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट इज दिस ओनली, ठीक है, ये मैंने कल ऐसे आपको बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा चीज़ें अच्छे से ना, ये सारा जो मैंने अभी तक आपको बताया। फिर जब हम आगे खुदाई करते हैं तो पता चला कि 1991 में धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा एक है हमारा जो कि गुजरात के कक्ष में है, ठीक है, ओके, गुजरात के कक्ष में मिल जाता है धौलावीरा। पॉइंट्स को एकदम अच्छे से देखते जाइए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे, ठीक है। मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह स्टडीज़ हमारी होती रही और 60s-70s में बहुत सारे हमको शहर मिलते रहे, ठीक है। बनावली है हमारा, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, रंगपुर है, ऐसे बहुत सारे हमको शहर मिलते जाते हैं और खुदाई निरंतर चली जाती है, मतलब होती रहती है, ठीक है। फिर जब स्टडी हुई डीप में इंडस सिविलाइजेशन में तो पता चला कि चार लिमिट्स मिलती हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो होता है नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट जो हमारी है उसे हम बोल देते हैं मांडा, ठीक है,
जो कि अभी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। मांडा मतलब कि नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट जो है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में अभी है, ठीक है। और ये किस रिवर के किनारे है, चेनाब, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकेंड सदर्न मोस्ट लिमिट, ये तो नॉर्दर्न हो गई मेरी, ये सदर्न मोस्ट लिमिट में क्या आता है हमारा, दाइमाबाद आता है, ठीक है। ठीक है, और एक ये प्रवरक नाम की रिवर है उसके किनारे है, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद आता है वेस्टर्न मोस्ट लिमिट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक शहर मिलता है सुतकागोंडा, ओके। और ये जो हमारा है किस रिवर के किनारे है, तो ये दस्त रिवर के किनारे है, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है कि क्या बच जाता है कि ईस्टर्न मोस्ट लिमिट, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, मैंने आपको बताया ईस्टर्न मोस्ट लिमिट पे क्या है हमारा, यहाँ पर हमको मिल जाता है आलमगीरपुरा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा है यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो आई होप सो चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, कैसा लगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको हम कल प्रोसीड करेंगे, ओके। ये आप, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।